हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजीत का डेली व्लॉग। आज हम आपके साथ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रिज की, जो मेरे ब्रदर ने लिया है अपने अपने लिए। सो बेसिकली लेट्स सी किस तरीके का फ्रिज है, क्या लिया है इसने, कैसी इसकी चॉइस है, लेट्स सी। ये तो फिर देखते हैं, चलिए आ जाइए। अब मैं भी आ गई हूँ सामने और इसकी ओपनिंग हो रही है। हम इसके लिए भी दो मॉल घूमे थे एक्चुअली, तो हमें एक जगह से ये पसंद आया था, देन हमने ये ले लिया। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ कॉर्नर पे पैर तो बने हुए हैं। हम इसके नीचे होल्डिंग के लिए पूरा का पूरा ट्रे नहीं रखवा रहे, क्योंकि उसके अंदर जाके चूहे बैठ जाते हैं। हमने फोर स्टैंड्स लिए, आप देख लेना उसको क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। सो वो लगाएंगे हमने, हमारे जो बाकी के फ्रिज है उसमें भी वही पैर। ये ना आगे यहाँ पे और उधर ना बाहर निकल, अच्छा ठीक है। फ्रिज आ चुका इसका। हम्म, मैं इसकी बना रही सारी लैमिनेशन हट रही है अभी इसकी, और ब्रदर ने ब्रदर का फ्रिज जा चुका है। भाई साहब क्या रखेंगे अभी इसमें, पानी की बोतल नीचे से लेके आया, नीचे वाले फ्रिज से स्पेशल शॉपिंग करेगा लगता है ये इसके लिए। लो जी और सामान आ रहा है इसके लिए। और कहाँ गई तेरी फ्रूटी, मैं सुबह तेरा कमरा साफ किया था, तूने गंद मचवा दिया। सारी लैमिनेशन हट रही है ताकि एक जैसा हो जाए, डुअल कलर ना हो, और गंदा होगा तो सारा एक साथ होगा। बोलो, मैं पानी की बोतल आगे क्या कह रहे थे, मेरे को नहीं पता। और क्विक क्या रह सकता है, और मकेन से आते हैं ना। हाँ बनाएगा का भाई, फिंगर चिप्स से आते हैं। हाँ आगे बोल, कैसे बनाएगा, क्या लिया तूने। मेरे पास भट्टी है। भट्टी इंडक्शन में बनाते हो तेरे। भट्टी है, मैं भट्टी में बनाऊंगा। अच्छा चल हो गया। ठीक है, तो प्लास्टिक की डिजाइनिंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे डिफरेंस है, ये बैक साइड जाके होल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप एक बार हाथ लगा के देखना चाहिए, फिजिकली चेक कर लीजिए। यहाँ से मोटा है ने पीछे, और ये पतला है, मोटा वाला पीछे जाएगा बिल्कुल, और लिखा भी हुआ ये। हाँ, मे बी नाम आपको हाँ। नीचे हो जाए, आप लोगों को नहीं पूछिए।
सामने आइए, इसके रेफ्रिजरेटर फ्रीजर दोनों के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको बताता हूँ, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले कैंप समर सीजन में 5 पे, मानसून में 3 में रखिएगा, विंटर्स में 1 पे रखिएगा, ठीक है। मिनिमम कूलिंग मैक्सिमम कूलिंग अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे चीजें स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप, कि डोर अलार्म है 30 सेकंड के अराउंड डोर ओपन रहता है तो अलार्म इंडिकेट करता है, ठीक है। साथ साथ देखिए इस फ्रीजर के नीचे लिखा हुआ है आपको कि कन्वर्टेबल, यानी आप जैसे अभी सर्दी का टाइम है आपको फ्रीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको फ्रिज बना के, लाइक नीचे वाला जो रेफ्रिजरेटर पोर्शन है सेम वो ऊपर वाला बना करके इसमें चीजें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फ्रोजन जैसे आप रेफ्रिजरेटर में नीचे वाले पोर्शन में रखते हैं सेम ऐसे। इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये फ्रीजर वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड रखना पड़ेगा 3 सेकंड तक, ये आपका कन्वर्टेबल पे ऑप्शन पे लाइट आ गई, यानी आपका फ्रीजर फ्रिज बन चुका है, ठीक है। बट टेम्परेचर जो उसमें कैसे अचीव वो करेगा, ये आपका रेफ्रिजरेटर में जो आप रखेंगे सेम वो ऊपर ही मेंटेन करके रखेगा, कंट्रोल यही से होगी कि आपने उसको भी रेफ्रिजरेटर बना दिया, नॉन फ्रोजन आइटम आप इसमें रखेंगे। बढ़ाने के लिए सेम देखिए लिखिए प्रेस एंड होल्ड 3 सेकंड तक, इन बटन को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे 3 सेकंड तक आपका नॉर्मल में आ जाएगा जो रेफ्रिजरेटर फ्रीजर था फ्रीजर बनेगा, फिर ये अलार्म इंडिकेट चलता कि मतलब मे बी डोर अगर आप प्रॉपर नहीं बंद कर पाते उस कंडीशन के लिए, और ये फिर अगेन आपको आता है ये रेफ्रिजरेटर वाले यानी नीचे वाले पोर्शन के लिए मिनिमम कूलिंग मैक्सिमम कूलिंग स्टोरेज के अकॉर्डिंग आप डाउन कर सकते हैं, सर्दियों में मानसून विंटर्स सॉरी आपका ये विंटर्स मानसून पीक समर सीजन एक छोड़ के एक किसी पे भी आप स्टोरेज के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, आप एक पे रख लीजिए, दो पे रख लीजिए, 3 पे रख लीजिए, स्टोरेज अगर कम है तो कम करके रखिए, ज्यादा है तो स्टोरेज ज्यादा तो टेम्परेचर अपने साथ चेंज करके रखिए, ठीक है। सुपर वाला क्या है, इसके बाद ये तो क्लियर हुआ, सपोज आपको देखिए पहले मैं बटन करके दिखा दूँ, ये आपको मान लीजिए कोई पार्टी फंक्शन है, सपोज आप चाहते हैं कि चीज़ जल्दी ठंडी हो, तो जैसे एक होता है ना कि आप 10 किलोमीटर की दूरी भी आप गाड़ी की स्कूटी से 40 की स्पीड में ले जा सकते हो और आप 60 की स्पीड में भी चलोगे, आप जितना तेज गाड़ी चलाओगे उतनी जल्दी 10 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, तो सेम है आप फास्ट कूलिंग पे तो आप कर रखी है कह रहा हुआ है बट चाहते हैं वो भी जल्दी हो टेम्परेचर जल्दी अचीव करे, तो आप ऊपर सुपर चिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा समय में नहीं है तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ, नहीं समझ में आपको ये यहाँ वाले क्वेश्चन नहीं चलती है, सिर्फ नीचे वाले नीचे फ्रीजर की बात नीचे वाले की बात कर रहे हैं, सर्कुलेशन प्रॉब्लम आएगी, कूलिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। ऊपर वाला ऐसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिला के जैसे ये कुछ चीजें स्टोर करो तो ये वाला पोर्शन पूरा ब्लॉक ना हो, ठीक है। बाकी अभी 2 घंटे तक आपका दूसरे साइड ऐसे लिया, इसलिए क्योंकि ये डिजाइनिंग बनी है वो मेंटेन काफी लंबे टाइम तक रही और आप ऐसे इसको केयर करते हैं तो ठीक है, कोई आपको कॉलिंग क्लीनर यूज नहीं करना है कि वो शाइन कट करता है, कॉलिंग वगैरह नहीं करना है, पॉकेट वाला कुछ आप मत रखिए, अभी तो आपको इशू नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमारा आस पास का वेदर है ना, एंड टेम्परेचर डाउन है तो हमें जरूरत है नहीं इतनी ठंड की, तो मेंटेन हो जाएगा, बट गर्मी में आपको ये चीजें मिलेंगी कि आपको कूलिंग नहीं मिल रही, लेट कूलिंग हो रही है, तो ये सब चीजें इशू आती है, बट बेसिकली आप इस चीजों को कवर करके ना रखें तो वो टेम्परेचर आप जल्दी मेंटेन करके सही तरीके से मेंटेन करके रखेगा आपको। फ्रीजर का नहीं होता, फ्रीजर का बिल्कुल नहीं होता, किसी में भी ये का साइड बाय साइड फ्रिज नहीं होता, फ्रीजर का एक बड़ा वाला डोर होता है, पूरा एक डोर होता है वो, तो है ना इसके नीचे पानी फिल करिएगा ताकि आप जैसे ट्विस्ट करते हैं ना तो क्यूब ये 1x1 क्यूब आपको इस बकेट में मिले, ठीक है। अगर आप पूरा पानी फिल कर देते हैं तो पूरा आपका पूरा पोर्शन हो जाएगा, तब ट्विस्ट करेंगे तो आपको क्यूब नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा उसको हॉट एंड गोल्ड को हॉट मोड पे रखने के लिए भी और इसकी सर्विस करने के लिए एसी वाले भी आ गए, और अब मम्मा खाना बना रहे हैं। अब फ्रेंड्स सांभर का रोटी खाएंगे, आज सांभर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स ये फ्रिज हमने एक बार ड्राई क्लोथ से साफ करके इसको रेडी टू यूज कर लिया है, सो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो सेक्शंस है यहाँ से आप इसमें काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक ये वाला जो सेक्शन है कि कूलिंग कितना रखना चाहते हैं, कोल्ड या बहुत ज़्यादा कोल्ड, तो इस हिसाब से रख सकते हैं, और
सुपर चिल या कैसा, हमने ऊपर वाला जो फ्रीजर है उसको भी रेफ्रिजरेटर ही बना दिया। जैसे अगर आप देखो ज़्यादा देर तक खुला रह जाए तो इसमें से टुनू टुनू की आवाज़ भी आती है कि इसको बंद करना है। और ये इसमें लॉक भी है, आप इसमें लॉक लगा सकते हैं इसकी चाबी से ऐसे। फ्रेंड्स में बहुत ही प्यारी सी लाइटनिंग एंड ऑल भी दे रखी है। ये देखो ये टुनू टुनू करने लग गया कि ज़्यादा देर तक ओपन है, इसको बंद कर दिया जाए। और इसकी जो ये वेजिटेबल बास्केट है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। सो अभी मम्मा लेके आए हैं। कन्वर्ट करने के लिए आप इधर ही दबा सकते हैं, 3 सेकंड तक आपको दबाना होता है। ये बटन ही है ये सारे। सो आप इसको दबा के रखते हैं 3 सेकंड तक तो हो जाता है। नीचे का जो टेम्परेचर होता है जो नीचे के टेम्परेचर होता है ये हमारा 0 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 3 डिग्री के आसपास। ये डोर कूलिंग की इसके साथ ही है इधर भी और ये साइड में, और ये इसको बंद कर देते हैं। और ये वाली कूलिंग है ये ऊपर, इसका अलग से सेपरेट है। और जो ये फ्रीज़र होता है अगर हम इसको फ्रीज़र में ही रखेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इसका जो डिग्री होती है वो माइनस में रहती है। इसमें इसके अंदर भी शेल्फ दी जाती है ऊपर भी। सो मच फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। सो ये ब्रदर ने अपने फ्लोर के लिए लिया है, अपने रूम के लिए लिया है ये LG का रेफ्रिजरेटर। लिंक मैं आपको दे दूंगी आपके रेफरेंस के लिए कि कौन सा वाला है। और हमारा नीचे जो मेन है वहाँ पे दूसरा वाला लगा हुआ है बड़ा वाला। सो उसका भी सैमसंग का है वो बना हमारा, और ये हमारा LG का है। दोनों ही कंपनीज हमें अच्छी है, आप अपने बजट के हिसाब से आप भी ट्राई कर सकते हैं आपको कौन सा पसंद है।